नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, ये क्लास हमारी रीजनिंग से संबंधित है, जिसमें आज हम ये कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें हम 2 सेकंड में इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं आपको बताते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, लॉजिक देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा। यानी ये संख्या दे रखी है हमें, ये संख्या दे रखी है और ये संख्या हमें प्राप्त करनी है, यानी इनमें से, और आगे ये संख्या दे रखी है और ये यह दे रखी है, इसमें से हमें ये यानी ये x हमें ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, आगे दे रखा है 24 और 7 और इससे 93 बना हुआ है। तो हमें ये दो दे रखे हैं, ये और ये वाला ग्राफ दे रखा है और ये हमें प्राप्त करना है। देखते हैं लॉजिक लगा देते हैं, इसमें लॉजिक लगता है जैसे 18 यानी छोटी, दो छोटी संख्या से एक बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए हमें इंटू करना पड़ता है। तो देखते हैं 18 × 9, 18 × 9 ये हो जाएगा 9 × 8 = 72, 7 × 9 = 9, 9 और 7 = 16, 16 यानी 81 हमें लाना है। तो इसमें डिवाइड 2 का कर देंगे यानी भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 81। हाँ, ये हमारा लॉजिक सही है, 81। और इसमें भी लगा के देखते हैं, और हमें ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, ये दे रखा है आपको 24 × 7 यानी 24 × 7 कर लेंगे, ये हो जाएगा 7 × 4 = 28, 7 × 2 = 14 और 2 = 16, दिखाई दे रहा है ना। हाँ, इसमें से 2 का भाग दे देंगे, इसमें 2 × 8 = 16 और 2 × 4 = 8 यानी 84। देखते हैं हमें 84, 84 तो यहाँ है नहीं यानी 93 है, तो ये हमारा लॉजिक सही नहीं है। दूसरा लॉजिक लगा के देखते हैं, सॉरी, इसमें हम देखते हैं यानी 18 + 9, 18 + 9 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, सॉरी 21 नहीं होगा, 8 × 2 = 17, 2 यानी 27, 27 हो जाएगा। हमें लाना कितना है, 81। अगर 27 में × 3 का करेंगे तो ये हमारा हमको 81 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम इसमें लगा के देखते हैं, इस लॉजिक में यानी 24, 24 + 7 ये हो गया 7 और 4 = 11 और 3 और 1 = 2, 1 = 3, 31 यानी इंटू, हमने इसमें 3 किया था जब हमें प्राप्त हुआ था, × 3 करके देखते हैं, इसमें ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9 यानी हमें 93, यानी 93 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार इसमें अब लगा देंगे इसी नियम को, यानी 23 + 8, 23 + 8 ये कितने हो गए, 8, 9, 10, 11, 16, 1, 2, 1, 3, 31 हो गया। 31 में हमने × 3 ऑफ किया था, इसमें यानी 3 इसमें लगा देंगे हम, ये हो जाएगा 3 × 3 = 2, 3 × 3 = 9, 93 यानी यहाँ इसकी जगह पर 93 आएगा। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा आंसर हो जाता है, ऑप्शन में हमें 93 ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है, हमें दे रखा है बुक, बुक को हम लिख सकते हैं 86 रीड,
आर ई ए डी रीड को हम 56 लिख सकते हैं, तो गुड, गुड को क्या लिखेंगे, यानी इस जगह पर क्या लिखेंगे। ऑप्शन दे रखे हैं हमें, ये ऑप्शन दे रखा है 43, बी दे रखा है हमें 82, सी दे रखा है 88 और डी दे रखा है 58। ये हमें प्राप्त करना है, यानी ये ऑप्शन। तो हमें पिछली वीडियो में हम बता चुके थे कोडिंग और डिकोडिंग में इन्हें करने से पहले, यानी इनके वर्ड याद रखने चाहिए, इनके वर्ड याद करने से पहले हमने एक चीज बताई थी आपको। जैसे हम यहाँ बता देते हैं कि पहले हम क्रम से लिख लेते हैं ए बी सी डी, यानी पेपर होने से पहले एडमिट कार्ड या उसमें रफ पेज दे रखा है उसमें सबसे पीछे लिख लेंगे डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। एम दिखाई दे रहा है ना, हाँ एम। फिर यहीं से बैक कर लेंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, और यहीं पे गिनती लिख देंगे इसकी, एक यानी क्रम नंबर लिख देंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। तो ये लिख लेंगे हम रफ पेज पे। तो इसमें देखते हैं हमारा बी, यानी बी हमारा 2 पर आ रहा है, 2 क्रम नंबर है। वो हमारा कितने पर आ रहा है, वो 15 पर, 15 ये भी 15 हो जाएगा। ओके कितने पर आ रहा है कि हमारा 11 पर आ रहा है, यानी 11। इनको सभी को ऐड करके देखते हैं, यानी हमें 2 प्लस के 15 प्लस के 15 प्लस के 11, ये कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 12 13, तेरे का 3। ये दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, यानी ये हो जाएगा 2। दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, यहाँ पे भी नहीं दे रहा है, यहाँ दिखाई देगा, हाँ ये लिख लेते हैं, यानी इसको 2 प्लस के 15 प्लस के 15 और प्लस के 11, इसे ऐड कर लेंगे, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 12 13, ये हो जाएगा 13, हाँ 16 1 2 3 4 यानी 43, और 43 यानी 86 लाना है, 43 में इंटू 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 86, 86 प्राप्त हो गया हमें। इसी प्रकार रेड में लिखेंगे, आर कितने पर है हमारा, आर दे रखा है 18 पर, ये 18 हो गया। ई ई दे रखा है 5, 5 ए 1 हो गया और डी डी हो गया 4, इन्हें जोड़ के देख लेंगे 18 5 1 4, 18 प्लस 5 प्लस 1 और प्लस 4, ये कितना हो गया, 1 और 5 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 आंसुल 1 यानी 2, 28 इंटू 2 किया था हमने, इंटू 2 28 दूनी कितने हो गए 56, ये हो जाएगा 56 यानी 56, यानी हमारा ये भी सही है और ये भी सही है, यानी हमारा लॉजिक सही है। तो इसी प्रकार हम गुड में लगा के देख लेते हैं, यानी जी हमारा कितने पर आया है, जी आ रहा है हमारा 7, ओ कितने पर आया है, ओ 15, ये भी 15 और डी 4, तो इसे ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना, हाँ दे रहा है, 7 प्लस के 15 प्लस
प्लस के 15, प्लस के 4, ये हो जाएगा 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 7, 14 और 7 हो जाएगा 7 और 4 21, 21 का 1 2 3 4 यानी 41 हो जाएगा। और इसमें हमने इंटू टू किया था तो इसमें इंटू टू कर लेंगे, 41 इंटू टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 82, 82 हमें ये प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन में देखते हैं 82 है हमारा, यानी 82 ऑप्शन में बी दे रखा है। साथियों हमारा ये ऑप्शन सही होता है। साथियों आज के लिए हम यही क्वेश्चन लेके आए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।